नशा तस्करों की अवैध संपत्ति को धूल में मिलाने के लिए इन दिनों सरकार का बुलडोजर बाबा चला हुआ है। आज हिसार के अंबेडकर बस्ती में चार नशा तस्करों के मकानों पर बुलडोजर चलाने से हड़कंप मच गया। हिसार प्रशासन ने शनिवार को सुबह अंबेडकर बस्ती में दो महिलाओं समेत चार नशा तस्करों के मकान पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए मौके पर दो डीएसपी की अगुवाई में 350-400 महिला और पुरुष पुलिसकर्मी तैनात रहे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के चलते किसी भी तरह की कोई विरोध नहीं हुआ। हैरान करने वाली बात तो ये है कि लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर कब्जा कर घर बना रखे थे। बता दें कि सितंबर महीने में प्रशासन पहले इस बस्ती में एक महिला समेत दो तस्करों के घर पर बुलडोजर चला चुका है। वहीं डीएसपी कप्तान सिंह ने बताया कि आज चार नशा तस्करों के मकान गिराए गए हैं। ये नशा तस्करी का काम करते थे। इन पर काफी केस दर्ज है जिसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज जो है चार मकान है, एक रणधीर उर्फ धीरा और बलबीर उर्फ बल्ला, बेमला वैभव महावीर व वेद उर्फ वेदो, इन चार जो आदमी हैं ये औरतें हैं, ये नशा तस्करी का काम करते थे। इन पर काफ़ी केस दर्ज हैं जिसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इन्होंने सिविल अस्पताल की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान बनाए हुए थे और अवैध कब्जे किए हुए थे। इसमें जो मतलब जिन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की, जो चार मकानों के खिलाफ कितने मामले जो उनके खिलाफ दर्ज आए हैं? इनमें रणधीर उर्फ धीरा के खिलाफ 12 केस दर्ज हैं और बाकी तीनों के खिलाफ 3-3 केस दर्ज हैं। क्या इन्हें नोटिस पहले दिया गया था? हाँ, इनको पहले नोटिस दिए जा चुके थे। अभी क्या ऐसी और कार्रवाई, जैसे पहले भी दो मकानों को गिराया गया था, और भी क्या कार्रवाई आगे होगी, या सिर्फ नशा तस्करों के खिलाफ होगी या बाकी जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ भी होगी? अब जो नशा तस्कर हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई चलती रहेगी और आगे भी नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये यहाँ पे जैसे बताया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग की जमीन है, स्वास्थ्य विभाग की है और उसके अंदर जो अवैध रूप से मकान बनाए, तो क्या और उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? यहाँ पर जो भी व्यक्ति एनडीपीएस के तहत अवैध काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही। फिलहाल पुलिस के मुताबिक जिन लोगों के घरों को तोड़ा गया उनके खिलाफ 12 केस दर्ज है और बाकी 3 लोगों के खिलाफ 33 केस दर्ज है और प्रशासन की तरफ से उनको पहले भी नोटिस दिए जा चुके थे। डीएसपी कप्तान सिंह ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ आगामी भी ऐसी ही कार्रवाई चलती रहेगी। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।